वसई परिसरात धुमाकूळ घालणारा माकड अखेर जेरबंद झाला आहे. या माकडाने वसईच्या भाजी मार्केट तसे आजूबाजूच्या परिसरात अक्षरशः हौदच घातला होता. हे माकड चक्क मंदिरामध्ये देखील जात येत होतं. या माकडाने तशी कोणाला इजा केली नाही, मात्र लोकांच्या अंगावर धावून जात होते, त्यामुळे लोक लहान मुलं आणि महिला मोठ्या प्रमाणावर घाबरत होत्या. नागरिकांना या माकडामुळे भयभीत झाले होते. हे माकड वसई रेल्वे स्टेशनवरही जात होतं. तिथेही त्याने प्रवाशांना त्रास देण्यास सुरुवात केली होती. शेवटी रेल्वे प्रवाशांच्या सांगण्यावरून माकडाला वन विभागाने रेस्क्यू केले आहे. हा ऍक्च्युली हमको वसई रेल्वे स्टेशन जो है उनके स्टेशन मॅनेजर से फोन आया था, तो हमको पता चला कि बंदर जो है काफी दिनों से स्टेशन में लोगों को परेशान कर रहा था, छुपा रहता था, एकदम से लोग उसके लोगों के सामने आ जाता था. तो हमें उनका फ़ोन आया, तुरंत हमने हमारी रेस्क्यू टीम भेजी. हमारी रेस्क्यू टीम में प्रॉपर ट्रेंड लोग रहते हैं, पिंजरा वगैरह रहता है, तो उसमें हम उसको बंदर को ट्रैप कर लेते हैं केला वगैरह रख के. तो केला खाने के चलते वगैरह वो उसमें पिंजरे में आता है, जैसे केला निकलता है पिंजरा बंद हो जाता है. तो हमने उस बंदर को फाइनली पकड़ लिया और हमने वाइल्ड लाइफ जो हमारा एरिया है तुंगरेश्वर उसमें हमने उसको सेफली रिलीज़ कर दिया. सर कब पकड़े बंदर को? ये हमने दो दिन पहले हमको फ़ोन आया था तब हमने पकड़ा.